रोहित सरदाना, हरियाणा की शान। टेलीविजन पत्रकारिता के अपने स्टार बेटे के जाने से पूरा हरियाणा सदमे में। कुरुक्षेत्र की गलियों में खेलने वाले मस्तमौला मिजाज के बालक ने एक हरियाणा के छोटे से शहर से निकलकर पत्रकारिता के में स्थापित उन मठाधीशों को चुनौती दी जो एक विशेष विचारधारा द्वारा पालित पोषित थे। उन्हें कोई ऐसा युवक क्यों स्वीकार्य होता जो राष्ट्रवाद की पताका बुलंद करने का दृढ़ संकल्प लिए हुए था। तमाम प्रहार हुए, रोहित सरदाना न कभी टूटे और न कभी झुके, न हारे, लेकिन काल ने पजरिए कोरोना उनको जिंदगी की जंग में हरा दिया और कुरुक्षेत्र के ख्याति लब्ध शिक्षक रत्नचंद सरदाना के घर पैदा हुआ पत्रकारी जगत का सूर्य अस्त हो गया। रोहित के पिता रत्नचंद सरदाना पेशे से शिक्षक है, सेवानिवृत्त, लेकिन समाज सेवा से निवृत्त नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पद से कभी न टिकने की प्रेरणा रोहित को उनसे ही मिली। हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान अपने मित्रों से इसकी चर्चा वो करते रहते थे। हिसार से निकलकर रोहित टीवी पत्रकारिता करने वाली दिल्ली पहुंचे, वहां से हैदराबाद और फिर वापस दिल्ली पहुंचे। दिल्ली लौटे तो ऐसे लौटे कि छाते। उनके निधन पर पूरा देश शोक संतप्त हुआ। हरियाणा को शायद ही सदमे से उभर पाए, लेकिन वो सदमे को दिल समाये लड़ रहा है कोरोना से। ये संकल्प लेकर कि कोरोना को पराजित करना, उसके चंगुल में फंसी हजारों जिंदगियों को बाहर निकालना ही रोहित को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये हरियाणा ही है जो कोरोना के लिए संसाधनों की कमी जैसा कोई रोना नहीं रो रहा, पूरी शिद्दत से लड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिलों में जाकर अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेता और उनके समर्थक पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। विपक्ष के एकाध नेताओं को छोड़ दें तो इस आपातकाल में सरकार को चिट्ठी लिखने में व्यस्त हैं, तो लगभग हर राजनीतिक व्यक्ति इस जंग में अपना 100% दे रहा है। हाँ, दो तीन नामी गिरामी शख्सियतें हैं जो परिदृश्य से गायब, लेकिन उनकी चर्चा क्या करना और क्यों करना। चर्चा तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर अपने को कंसंट्रेट किए हुए हैं और उनके प्रयास से, उनके आग्रह से प्रभावित होकर सैकड़ों कंसंट्रेटर प्रदेश में आ चुके हैं। चर्चा तो इनेले के स्टार अभय चौटाला की होनी चाहिए, जिन्होंने अपना अस्पताल कोविड संक्रमितों के लिए इलाज के लिए सौंप दिया। और सबसे ज्यादा चर्चा तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की होनी चाहिए, जिनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने कोविड संक्रमितों की सेवा चिकित्सा के लिए जननायक सेवा दल का गठन किया। ये दुष्यंत चौटाला ही है जिन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से वस्तु एवं सेवा कर हटवा दिया और इसका लाभ पूरे देश से कोविड पीड़ितों को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि रोहित सरदाना के जाने से न सिर्फ पत्रकारिता जगत स्तब्ध है, साथ ही रोहित के फैंस और उनके जूनियर्स भी रोहित के चले जाने के बाद पूरे तरीके से शोक में डूबे हुए हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।